आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, उसी का अगला पार्ट है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये एक थ्योरम है, एक रिजल्ट था जिसमें ये बात कही गई है कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है किसी भी एंगल के लिए, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके एंगल पे डिपेंड करेगा। तो ये है थ्योरम। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं यहां पर, ट्रायंगल एबीसी, एंगल थीटा है, ट्रायंगल एबीसी है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर मान लेते हैं पी क्यू, 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 है, ये तो अंडरस्टूड है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू, पी क्यू ए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलैरिटी के बारे में आप लोग पहले सिमिलैरिटी तो हम अभी बता नहीं रहे हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि ए क्यू बाई ए बी इक्वल टू ए पी बाई ए सी इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी। तो अब यहां पर से इन्हीं रिजल्ट से जो हमारे पास दिया हुआ सिमिलैरिटी के लिए, इसी रिजल्ट के मदद से हम रेशियोज निकाल लेंगे। अब रेशियो के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा के लिए वहां पर क्या होता था, पी बाई एच लेते थे ना, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, देख सकते हैं पी क्यू इसके लिए है, पी क्यू बाई ए पी, ए पी कहाँ है, सो पी क्यू को यहां पर, यहां से पी क्यू उठाएंगे, यहां से ए पी उठाएंगे और यहां लिख देंगे पी क्यू, और ये ए पी नीचे आ जाएगा। साइन थीटा के लिए केवल कर रहे हैं अभी, और पी क्यू बाई ए पी। अब बी सी के लिए ये वाला बी सी, बी सी बाई ए सी, ये वाला बी सी जो है ऊपर चला जाएगा और ए सी, बी सी यहां आ जाएगा, और ए सी तो नीचे है ही है, बी सी बाई ए सी। तो ये साइन थीटा के लिए रिजल्ट आ गया ना आपका, आपके पास। उसी तरह से कॉस थीटा के लिए क्या था, बी बाई एच, तो बी, बी यहां से क्या है, ए क्यू है, ए क्यू को उठाएंगे और एच क्या है, एपी, ये वाला एपी यहीं पे डाल देंगे नीचे की तरफ, ए क्यू बाई एपी, ये वाला एपी, ये वाला एपी अब यहां आ जाएगा क्योंकि ये सिमिलर है। अभी एक कंडीशन के लिए साइन थीटा के लिए प्रूव हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अब इसको दोबारा से नहीं ले सकते, इनके इनके मदद से हम अब इसको ले सकते हैं, इन दोनों को भी आप ले सकते हैं। तो ए क्यू बाई ए पी हो गया यहां से, और एक और रिजल्ट आएगा ए सी बाई ए सी, या कॉस थीटा के लिए हम कर रहे हैं, तो ए बी, ए बी ऊपर जाएगा, ए सी नीचे, ये वाला ए बी ऊपर जाएगा, और ए सी, ए बी यहां से ऊपर गया और ए सी नीचे है ही है, तो इस तरह से आ गया रिजल्ट। किसके लिए आया, ये साइन थीटा के लिए पहला, और ये दूसरा कॉस थीटा के लिए, देख सकते हैं आप सभी।
अब फिर से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब ये क्या, थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर देते हैं यहां से, थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, परपेंडिकुलर को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हम साइज वैरी करा कर देख रहे हैं कि क्या साइज वैरी कराने के बाद रिजल्ट पे कोई असर पड़ता है क्या, मतलब कि इसके थीटा पे, इसके रेशियोस पे कोई असर पड़ता है। हमेशा क्या है कि ये थीटा पे ही डिपेंडेंट होगा, ना कि साइज पे असर पड़ेगा। यानी कि हम इसको देख सकते हैं ऐसे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से, एम एन, ये भी परपेंडिकुलर है यहां से। और अब जो केस लेंगे, फिर से ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ए इन ट्रायंगल ए एम एन के लिए। ठीक उसी तरह से हम ले लेते हैं सिमिलैरिटी के लिए, ए बी बाई क्या था, ए एन। उसके बाद ए सी बाई ए एम, उसके बाद बी सी बाई एम एन। देख सकते हैं फिर से इन्हीं रिजल्ट का यूज कर करके आगे साइन थीटा और कॉस थीटा निकल जाएगा। अगले केस में क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा निकालना होगा तो फिर से वैसे ही परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, ए बी है ऊपर और ए सी है, ए बी और ए सी, यहां से ये ए बी ये वाला लेंगे और ए सी नीचे ट्रांसफर कराएंगे। दूसरे केस में ठीक वैसे ही एम एन, ये वाला एम एन ऊपर ले जाएंगे और यहां से ए एम, ये वाला एम एम एन ऊपर ले गए और ये वाला ए एम नीचे डिनोमिनेटर में है ही है। ठीक है, आप लोग समझ जाना कैसे कर रहे हैं, ये एम एन ऊपर ले गए हैं और ए एम नीचे है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा का रिजल्ट आता है। अब कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए अगेन ए बी सॉरी साइन थीटा के लिए यहां से बी सी लेंगे ना, ये वाला बी सी नीचे आएगा, बी सी आएगा, ये वाला बी सी और ए सी, और फिर एम एन और ये ए। कॉस थीटा के लिए ऐसे ही ए बी बाई ये वाला हाइपोटन्यूज ए सी, ए पी यहां से और ए सी नीचे से, ये वाला समझ रहे ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पहले आप देख लेना, ये बी सी जो है ना यहां से बी सी उठाएंगे और ए सी यहां से, ये वाला और ये वाला केस में, मतलब बी सी बाई ए सी करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा के लिए भी उसी तरीके से ए एन बाय एम, जैसे जैसे साइन थीटा कॉस थीटा निकला है वैसे ही टैन थीटा भी निकाल लेंगे। टैन थीटा के लिए हो जाएगा, यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बेस क्या है, ए बी, बी सी, ये वाला बी सी ऊपर गया, ये वाला बी सी और ये वाला ए बी डिनोमिनेटर में जो है, इनके मदद से टैन थीटा निकला यहां पर। और यहां पे इस केस में, इस केस के लिए
यहाँ पे बी सी बाई ए बी तो हो गया, उसके अलावा एक और वैल्यू निकालते हैं ना, दूसरा वैल्यू हो जाएगा पी बी सॉरी पी क्यू बाई ए क्यू, और यहां के लिए टैन थीटा के केस के लिए परपेंडिकुलर वही बी सी बाई ए सी तो ए बी तो होगा ही, उसके अलावा एम एन एम एन बाई ए एम। अब रिजल्ट सारा हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है साइज पे ये वैरी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, बस इतना ही बात था इस थ्योरम के अंदर। ओके okay.